नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। आज फिर आप सभी के लिए एक जरूरी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक राशन कार्ड लाभार्थी है तो आपको बता दें कि सरकार राशन कार्ड धारकों को झटका देने जा रही है, यानी कि 1 नवंबर 2024 से लाखों की संख्या में राशन कार्ड लाभार्थियों का गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। चाहे आपके पास APL राशन कार्ड हो, BPL राशन कार्ड हो या फिर अंत्योदय राशन कार्ड हो, कोई सा भी राशन कार्ड आपके पास है, आपको भी बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से 1 नवंबर तक का मौका दिया गया है। अब क्या करना है, कैसे आप अपने गेहूं को बंद होने से बचा सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि 1 नवंबर से राशन कार्ड लाभार्थियों को झटका लगने जा रहा है, गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। अब राशन कार्ड लाभार्थियों को सरकार की तरफ से कौन सा मौका दिया गया है उसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। चाहे आपके पास कोई सा भी राशन कार्ड क्यों ना हो, देखिए आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश के निवासियों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जो राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, उन सभी को कई साल से बिल्कुल फ्री में राशन दिया जा रहा है। और इस राशन को लेने में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करते हैं, यानी कि इस योजना के पात्र नहीं हैं। तो सरकार की तरफ से राशन कार्ड नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके अंतर्गत अब काफ़ी राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगने जा रहा है, यानी कि राशन बंद होने जा रहा है, गेहूं बंद होने जा रहा है, एक भी दाना नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है, किन व्यक्तियों का राशन बंद होने जा रहा है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, सरकार की कम कीमत पर राशन योजना का लाभ लेने वाले लोगों के लिए राशन लेने के लिए व्यक्ति के पास सबसे पहले राशन कार्ड होना जरूरी है। इसी से लोगों की पात्रता होती है, लेकिन सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, यानी कि 1 नवंबर 2024 से राशन मिलना बंद हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है और क्या कार्य व्यक्ति को करना होगा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं, चाहे आप पेंशन लेते हों, राशन लेते हों, किसान योजना का लाभ लेते हों या अदरवाइज किसी भी योजना का आप लाभ ले रहे हैं, सबसे पहले अब क्या कराना होता है, सबसे अहम और सबसे ज़रूरी कार्य होता है KYC। और यह KYC आपके आधार कार्ड के जरिए होती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप KYC करा लेते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं होती हैं सभी खत्म हो जाती हैं और आपको आगे राशन मिलना या फिर किसी भी प्रकार की योजना का आप लाभ ले रहे हैं वह मिलना शुरू हो जाता है। इसी वजह से काफ़ी राशन कार्ड लाभार्थियों को झटका लगने जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को EKYC कराना जरूरी है। खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर पहले ही सूचना जारी कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अब तक बहुत से राशन कार्डधारक ऐसे हैं जिन्होंने EKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर EKYC के लिए डेट लाइन जो है वह आखिरी है, तय की गई है कि 31 अक्टूबर तक जो व्यक्ति राशन कार्ड का
जिसका केवाईसी कराता है उसे ही राशन दिया जाएगा, अन्यथा 1 नवंबर 2024 से राशन बंद कर दिया जाएगा, गेहूं बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने यह कार्य नहीं किया है तो आप अपने डीलर के यहाँ पर जाकर केवाईसी जरूर करा लें। ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।